5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी होने के बाद विकास के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। अब अनुच्छेद 370 के खत्म होने के 2 साल पूरे हो रहे हैं। 2 साल बाद क्या है घाटी का माहौल, कितना बदला जम्मू कश्मीर, कितनी हुई तरक्की, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं। पर्यटकों से फिर भरने लगी घाटी। अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद घाटी में आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है। यही कारण है कि अब यहाँ आने वाले पर्यटकों की तादाद में लगभग 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। धरती की जन्नत एक बार फिर पर्यटकों को अपनी ओर खींचने लगी है। बड़े पैमाने पर पर्यटक सैर सपाटे के लिए अब जम्मू कश्मीर पहुंचने लगे हैं। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग का दावा है कि दिसंबर के बाद से अब तक कश्मीर घाटी में 1 लाख से ज्यादा पर्यटक आ चुके हैं। देश में गोवा के बाद जम्मू कश्मीर दूसरा सबसे लोकप्रिय डेस्टिनेशन बन गया है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम से लेकर श्रीनगर की डल झील व ट्यूलिप गार्डन में पर्यटकों की बहार है। घाटी में अब बड़े पैमाने पर फिल्म की शूटिंग भी शुरू हुई है। घाटी अब फिर सैलानियों से गुलजार होने लगी है। श्रीनगर की डल झील पर्यटकों से भरने लगी है। यहाँ आने वाले सैलानियों में आतंकवाद का अब कोई खौफ नहीं। बदले हालात को लेकर लोगों में अब आत्मविश्वास भी बढ़ा है। इस बात का अंदाजा डल झील में शिकारे का आनंद लेते पर्यटकों से लगाया जा सकता है। वहीं घाटी में पर्यटकों की बढ़ती तादाद से रोजगार के अवसर भी बढ़ने लगे हैं। थमी हुई अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौटने लगी है। यानी घाटी में अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद हर तरफ विकास देखने को मिल रहा है। 2 साल पहले उठाया गया यह महत्वपूर्ण कदम घाटी में रहने वाले उन लोगों के चेहरे पर खुशियां लेकर आया है जिसकी रोजी रोटी ही सैलानियों के बदौलत चलती है। आने वाले समय में भी जम्मू कश्मीर ऐसे ही तरक्की की राह पर अग्रसर रहने वाला है।